चीन के लाल सुल्तान की मंशा से कोई भी अनजान नहीं है। पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब पाले हुए चीन अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जासूसी को हथियार बनाने की पुरानी परंपरा को आज भी चीन बरकरार रखे हुए है। स्पाई बैलून के बाद अब चीन पर आरोप है कि वो अपने जासूसी सैटेलाइट से अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट पर निगरानी कर रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्पेस एयरक्राफ्ट पृथ्वी की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे यूएस मिलिट्री सैटेलाइट की निगरानी कर रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मानो तो चीन का टोंगसिंग जिसुसियान विंगसिंग या TJS-3 नाम का अंतरिक्षयान अमेरिकी सैटेलाइट्स की जासूसी कर रहा है। यूएस ऑर्बिटल डेटा की माने तो चीन का TJS-3 हाल में ही अमेरिका सैटेलाइट्स के करीब पहुंचा था। ऑर्बिटल फोकस ने दोनों के परिक्रमा पथ को दिखाते हुए बताया कि यह चाइनीज स्पेस एयरक्राफ्ट जियो स्टेशनरी बेल्ट में चक्कर काट रहा है। जब हाल में ही चाइनीज स्पेस एयरक्राफ्ट अमेरिकी सैटेलाइट्स USA-233 और USA-298 पर करीब से नजर डालने के लिए रुक गया था। चीनी अंतरिक्षयान ने जिन अमेरिकी उपग्रहों की जांच की वे अमेरिका स्पेस फोर्स के मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने जिन चाइनीज स्पेस एयरक्राफ्ट के बारे में अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स की जासूसी होने का दावा किया है उन्हें चीन ने एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के सिस्टम को 2018 के अंत में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। जब वे स्पेस में चला गया था तो वहां से एक दूसरा सब सैटेलाइट निकला था जो सब सैटेलाइट TJS-3 की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए भेजा गया था। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सब सैटेलाइट पृथ्वी से 22,336 मील यानी 35,786 किलोमीटर ऊपर काम करते हैं। वहां पर उनकी स्पीड पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की स्पीड से मेल खाती है। ऐसे में उन्हें पृथ्वी की सतह पर किसी खास बिंदु पर स्थित होकर नजर रखने का मौका मिल जाता है। कम्युनिकेशन और अन्य उद्देश्यों के लिए इस कक्षा को काफी उपयोग किया जाता है। दुनिया के अधिकतर देशों के कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी इलाके में मौजूद हैं। इसके अलावा अधिकतर मिलिट्री सैटेलाइट को भी इस कक्षा में तैनात किया जाता है ताकि दुश्मन देशों की प्रतिक्रिया पर नजर रखी जा सके। बता दें कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बीच अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम करने की लंबी समय से होड़ मची है। एक के बाद एक स्पेस मिशन की लॉन्चिंग से ये बात साफ जाहिर होती है कि अमेरिका और चीन अंतरिक्ष में एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। ये पता चलना कि चाइनीज स्पेस एयरक्राफ्ट अमेरिकी सैटेलाइट्स पर बुरी नजर बनाए हुए हैं तो दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है।